आज हम लोग नहाने जा रहे हैं नहाने जा रहे हैं। ये मोबाइल में वीडियो मेरे दूसरी एंगल से बनाया जा रहा है। और हम लोग हमारे यहाँ फैन है, जो ये फैन जो है 2-3 फैन हमारे गाड़ी चला रहे हैं और आगे पीछे झारखंड से हैं, बहुत दिन से जिद कर रहे थे। आप इनके चेहरा देख सकते हैं, ये साउथ, ये दो पंखी वाला दक्षिण भारत से हैं, देख ले सकते हैं आप इनका ब्लैक चेहरा। ये हमारी गाड़ी एकदम 100 की स्पीड में भागती हुई। ये आ गए हम लोग यहाँ बनारस, बनास के किनारे। तो हम आ गए हैं स्नान करने के लिए बनास नदी। बनास नदी कितने पानी, विशाल नदी जो प्रयागराज से निकलती है और बिहार के पटना में जाके मिलती है, प्रयागराज से निकलती। ये जानकारी अधूरी है, फर्जी करें। ये सब फर्जी जानकारी है, इस पर भरोसा ज्यादा ना करें, मैं पूरी जानकारी दूंगा ना। फिलहाल ये बनास नदी है, आगे जाके सोन नदी से मिलती है, इसमें अच्छा खासा पानी है और पानी में हम लोग स्नान करने आए हैं। अभी इसमें आप बालू देख सकते हैं, ये बालू तप रहा है थोड़ा थोड़ा, बढ़िया है। आज स्नान आनंद मनाते हुए हम गांव वालों का ये स्विमिंग पूल है, हम लोग आते रहते हैं यहाँ हर गर्मी में नहाने वहाने। दिलीप भाई जान, ओ दिलीप भाई जान, यूट्यूब वाले दर्शक आही, इनका कुछ बोली नहीं यार। हाँ तो हम आपको क्या सुनना है ये बताइए, कुछ सुना दी, हम वही सुनाएंगे जो आपको पसंद हो। अरे स्नान करने के विषय में क्या है आप, हाँ हम आपको गोवा जैसा मजा देंगे। अच्छा, और ये खुद देंगे मजा आपको 6,000 में गोवा जैसा? अच्छा नहीं नहीं गोवा में आपको क्या देखने मिलती है, आधी चड्डी पहने लड़कियाँ, वो तो तो ये है स्नानागार। अभी ये डबरा पर रहे हैं और ये सब अभी बंधुगण क्या कर रहे हैं, अभी तैयारी में हैं, अपने अपने कपड़े उतार करके अभी इसी नदी में डबरा परेंगे। अभी बालू न मेघ लाला तब तक वीडियो बना ली, फिर बाद में तो नहावे बूदरी के सारा कुतरिया मेरे ऊपर वो गीला बालू डाल दिया है, थोड़ा वीडियो बन जाए इसके बाद मैं भी नहाऊं। ये देखो ये वॉल चल रही है, अभी स्नान थोड़ा, यहाँ पानी कम है लेकिन वहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा है वहाँ उस तरफ। तो इस तरीके से फिलहाल अभी हमारे यहाँ पांडे जी हैं। ये पांडे जी, ये बताइए बैठे काहे हैं नदी के किनारे आके? आनंद लेने आए हैं, आप लोग नहाने आए हैं तो ये आनंद पूरा पूरा अधूरा आनंद है। आनंद पूरा तो आपको नदी की गहराइयों में मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो गहराइयों में नहीं जाएंगे। जब विंड बजता है ना तो बजाने से आनंद नहीं मिलता, जब वो बजता है तो सुनने में आनंद मिलता है। तो सुनने वाले हैं आप? हम यहाँ देखने आए हैं। जब विंड बजता है तो उसमें नाचने में ज्यादा मजा है, इनको का पता, अभी इनको नचाएंगे तब उनको समझ में आएगा। भाई नाच देखने में ज्यादा मजा आता है, नाच देखने में नहीं, नाचने में और ज्यादा मजा आता है, नचाएंगे जब तो इनको पता चलेगा। लोग अभी स्नान कर चुके हैं और स्नान करने के बाद तेल वगैरह लगाने के बाद हींग अंगे का वो जो 1 रुपए वाला जो छोटा पाउच होता है ना, उसी को लगाने के बाद अब मैं कहाँ था। ये देखिए पीछे से ये बारू का बार करते हुए मतलब बारू का से प्रहार करते हुए अभी ये डबरा परे हुए हैं। अभी भी कुछ लोग नहा रहे हैं। धो करके हम लोग कार से अभी निकल पड़े हैं घर की ओर और इस ब्लॉग को आज स्नानागार के साथ और इसी एंजॉय के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले तिगले ब्लॉग में। दिलीप भाई टोपी वाले इधर देख लीजिए। मेरी जान,